तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एयर ब्रेक सिस्टम का जो एंगल कॉक जो डिवाइस है, इसका वर्किंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। वन मोर टाइम, एयर ब्रेक सिस्टम, रेलवे में जो एयर ब्रेक सिस्टम यूज होता है उसमें जो पाइपलाइन कनेक्शन होता है ना, तो उसमें एंगल कॉक बोल के एक डिवाइस यूज होता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक डिवाइस जिसको एंगल कॉक कहा जाता है। एंगल कॉक, इसको एक्चुअली कट ऑफ एंगल कॉक कहता है। वन मोर टाइम, कट ऑफ एंगल कॉक। तो हर चीज का एक फंक्शन होता है, काम होता है, तो इसका भी एक काम है। जैसे कि आप यहाँ पे जो होस पाइप एंड उसके साथ जो कपलर दिखाई दे रहा है ना, ये कपलर है बेसिकली, अरे होस पाइप है। तो एक कोच के साथ दूसरा कोच का जब कनेक्टर कनेक्ट होता है तब ये कपलर यूज होता है। मान के चलिए यहाँ पे एक कोच है, सिंगल कोच। जब यहाँ पे डबल यानी ट्विन कोच आएगा, देन कंटिन्यूटी एयर फ्लो रखने के लिए इस कपलर के साथ सेकेंड जो कोच यहाँ पे एड ऑन होगा उसका कपलर एड होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होता है, एक छोटा सा एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे। देखिए ये जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे कैसे कपल हो रहा है, अभी कैसे अनकपल हो रहा है। तो दोनों में बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये जो कपलर है, होस पाइप का जो कपलर है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे ये लॉक होता है, ये पूरा लॉक होता है। यहाँ से जो दोनों में जब कपलिंग होता है तो ये जो बाहर का जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे लॉक हो जाता है, तो इसलिए ये बाहर नहीं आता है। बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। देखिए ये एनिमेशन में आपको फिर से एक बार एनिमेशन शो प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा करके मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा करके इसको प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा दोनों हाथ में इसको। जैसे आप आज का जो टॉपिक है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बात करेंगे, ये है एंगल कट ऑफ एंगल कॉक। बेसिकली कट ऑफ एंगल कॉक का यूजेस किस लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, तो जब दोनों कुछ को एयर होस पाइप के साथ कपलिंग और अनकपल करने के लिए इस एंगल कॉक का इस्तेमाल होता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अभी ये देखिए ये बंद है, ये एंगल कॉक अभी बंद है, बंद पोजीशन में ऐसा है, मतलब बंद है, और टुवर्ड्स पाइप मतलब पाइप के तरह है। इसका मतलब है देखिए ये ऑन है, ये ऑन है, लेकिन बेसिकली जब दोनों कोच कनेक्ट रहता है तब ऑन होगा। नॉर्मली ऐसा है तो ये ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए, लेकिन अभी ये ऑफ पोजीशन में है और ये ऑन पोजीशन है। क्योंकि दोनों चीज में क्या डिफरेंट है उसको समझ मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा करके रखा है। ठीक है, तो ये ऑन पोजीशन और ये ऑफ पोजीशन में है, इतना तो क्लियर हो गया। इसका जो इंटरनली पार्ट्स है, इसमें एक स्पेशल बॉल है, स्पेशल बॉल जिसमें ग्रूव है, ग्रूव। क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है ना, ये बेस्ड ऑन द बॉल, बेस्ड ऑन द बॉल, बॉल के अंदर ही इसका फंक्शन है। और दोनों साइड में रबर वॉशर है, परफेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोल रहा था, ये जो एंगल कॉक है, एंगल कॉक का अंदर में ना एक स्पेशल बॉल है और दोनों साइड में इसको रबर वॉशर है। क्योंकि जो लीकेज होता है वो लीकेज को रोकने के लिए रबर यूज होता है हर जगह में। जैसे नॉर्मली हम लोग वॉशरूम में इस टाइप का एंगल कॉक, इस टाइप का नहीं, कोई थोड़ा डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट मॉडल, लेकिन फंक्शन सबका एक ही होता है। उसमें भी बहुत सारा वॉशर रहता है, नहीं तो वाटर लीकेज होता है। तो सेम यहाँ पे वाटर के जगह में यहाँ पे एयर यूज होता है। तो इस पाइप में जब एयर आता है तो दोनों कोच में एयर फ्लो कंटिन्यूटी जारी रखने के लिए इस हॉस पाइप का इस्तेमाल होता है एंड कपलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एयर फ्लो है ना, इसका ये काम कैसे होता है और ये कैसे बंद हो जाता है, कैसे ऑन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है।
लाने का, हर चीज को सीखना चाहिए। तो इसमें देखिए अभी क्लोज पोजीशन में है, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एक फिशर ग्रुप है, तो ये देखिए ये जो होल है अभी जैसे एयर फ्लो जब इस तरफ होगा, इस तरफ जब एयर फ्लो होगा करेक्ट, तो अभी क्या है देखिए अभी एयर फ्लो ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या अभी बंद है, यहाँ पे पूरा बंद है क्योंकि ये जो ग्रूव है ये इस तरफ नहीं है, ठीक है अभी बंद कर दिया गया है। तो यार यहाँ पे आके फिर इस तरफ जाने का ऑप्शन नहीं है, तो अभी बंद है। तो जब ये ग्रूव यहाँ पे आ जाएगा मीन्स यहाँ पे होगा और इसका और एक पार्ट यहाँ पे होगा, देन एयर फ्लो कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बस यही स्पेशल डिजाइन किया गया है इसके साथ, सो दैट कि ये जो एंगल कॉक का फंक्शन है इसी तरह ये एंगल का काम करता है। आई होप कि इतना समझ में आ गया आप सबको, इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होप कि इतना तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखिए अभी छोटा सा एक एनिमेशन दिखाएंगे, अभी तो ऐसा है ठीक है, मतलब ये क्लोज पोजीशन में, देखिए अभी क्लोज पोजीशन में मतलब एयर अंदर से यहाँ इतना तक आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बंद है क्लोज पोजीशन में। जैसे ही ऑन होगा, जैसे ही ये ऑन होगा ये कैसा होगा, किस टाइप लगेगा देखने में, फिर से देखिए एक बार, थोड़ा मैंने जूम आउट किया ठीक है। जैसे ही ये ऑन होता है थोड़ा ऊपर खींचना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑन पोजीशन में इसका फंक्शन ऐसा है, थोड़ा आपको क्या बोलते पुल करना चाहिए, पुल करके ऊपर खींच फिर घुमाना चाहिए इसको, ठीक है। तो घूम गया जाए मतलब अभी ऑन पोजीशन में है, देखिए ऑन पोजीशन में है, तो इसका अंदर जो ग्रूव है, इसका अंदर जो वो एक कनेक्टिंग होल है दोनों में, तो ये ऑन हो गया मतलब एयर, फिर एयर अंदर से आएगा फिर इसके अंदर से पाइप में, पाइप के थ्रू फिर दूसरा कुछ में चला जाएगा। तो एंगल काट ऑफ एंगल कॉक का यही है कि यहाँ से काट होगा एंगल कॉक के थ्रू एयर, फिर ऑन होगा। ऑन कब होगा, जब दोनों कपलर एयर होस का जो कपलर है, एयर होस पाइप है और इसका कपलर यही है एंड पोजीशन में, तो ये दोनों मतलब दोनों कुछ का जो कपलर कनेक्ट हो जाएगा एंड देन इसका कट ऑफ एंगल कॉक का पोजीशन ऑन हो जाएगा। तो अभी तो नहीं है, अभी बंद होना चाहिए मेरे ख्याल में, मतलब ये नेचुरली अभी बंद होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एयर फ्लो कंटिन्यू बाहर में जाएगा, ठीक है। एक साउंड है जैसा एयर का साउंड होता है ऐसा करके, तो सेम इसी टाइप का एक साउंड देखा सुनाई देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बंद कर अभी ऐसा पोजिशन में है, तो इसको बंद करने के लिए फिर ऐसा करना पड़ेगा। एक छोटा सा एनिमेशन मैं प्ले कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। तो नाउ यू कैन सी द एनिमेशन, बहुत बढ़िया। तो ये एक सिस्टम है, और एक बार ध्यान से देखिए एनिमेशन, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपका कोई डाउट्स है तो ये क्लियर हो जाएगा।